माई चैनल एंड एज आई मेंशन मैं एक और रिव्यू वीडियो लेके आ चुकी हूँ एंड ये एक स्किन केयर रिव्यू होने वाला है, फ्रेग्रेंस रिव्यू नहीं है. सो ये है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको क्योंकि बहुत अच्छा है. ओके, मैं पहले से आपको स्पॉइलर दे रही हूँ. ये है लॉरियल रिवाइवलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड 1.5. ओके, नाम काफ़ी ज़्यादा फैंसी है बट इसका काम भी शायद फैंसी है. या बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे. ओके, लाइक सेवरल रिव्यूज एंड ये मेरे टॉप के साथ भी मैच कर रहा है. इट्स काइंड ऑफ मॉविश एंड लेवेंडरिश. ओके, सो मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज देखे एंड व्हाट आई रियलाइज्ड, बहुत सारे पेड रिव्यूज भी है. मेरे पेड रिव्यूज नहीं है, आई एम अ बडिंग यूट्यूबर, मुझे पेड रिव्यूज नहीं मिलने वाले. बट व्हाट आई वुड लाइक टू से, ये पेड रिव्यू के इक्वल ही अच्छा है. मैंने इसको रिसेंटली परचेज किया था, आई थिंक 1 month अगो, एंड इसके डिफरेंसेस गाइज मुझे विद इन 1 week देखने को मिले. तो इसमें 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है एंड इसमें एक काफ़ी यूनिक सा इंग्रेडिएंट है, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है. आई मेक श्योर टू एड दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो. सो दैट इज बेसिकली स्नेक का वेनम. ओके, हियर मी आउट, डरो मत गाइज. सो स्नेक का वेनम जो होता है, स्नेक की जो जहर होती है, सांप का जहर, यू नो, सो दैट एक्चुअली बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है. इफ यू नो अबाउट साइंस एंड बायोलॉजी, आपको पता होगा कि इट इज अ गुड थिंग फॉर क्योरिंग थिंग्स. नाउ फॉर स्किन केयर इट एक्ट्स एज अ बोटॉक्स. ओके, आपकी स्किन को प्लम्प बनाएगा, यंगर दिखाएगा, ग्लोई कर सकता है. नाउ इसमें रियल स्नेक का वेनम नहीं है, डरो मत. ओके, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज वेरी गुड पैकेजिंग, यू नो, ग्लास पैकेजिंग है. ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, बट दिस लुक्स वेरी प्रीमियम, वेरी लग्जूरियस टू फील इन हैंड ऑल्सो, इट्स वेरी गुड. ये 30 ml का है, आप 15 ml का भी ले सकते हो एंड इट कॉस्ट अराउंड 800-900 ऐसे कुछ है. मैंने इसको डिस्काउंट जब होता है, आप सेल जब होता है लॉरियल वगैरह पे, तो आप उस टाइम पे ले सकते हो. नाउ माई पॉइंट इज कि इसमें सिंथेटिक वाला स्नेक वेनम डाला गया है. सो इंग्रेडिएंट जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगी, आई मीन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसके लिए वरी मत करना. आप सुन भी लो कि इसको करना क्या है, कैसे काम करता है. ओके, सो दिस इज 1.5% हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड का जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है वो 2% होता है, द सेफेस्ट साइड. ओके, कोई भी चीज़, हाइलुरोनिक एसिड इज नॉट दैट स्केरी एलिमेंट, वो बहुत ज़्यादा स्केरी एसिड नहीं है, लाइक एच ए बी एच की वो रिएक्शन हो जाएगा ये वो, बट एक्सेस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड कैन ऑल्सो ड्राई आउट योर स्किन. सो यू प्रोबेबली नीड मैक्सिमम ऑफ 2% फॉर एनी स्किन, वेदर यू आर यू नो लाइक पेल स्किन और इफ यू आर एन इंडियन स्किन, बट स्किन स्किन. ओके, सो आपको कैसा भी स्किन हो, आपको 2% से ज़्यादा नहीं जाना है. तो यहाँ पे ये 1.5% है. आपको बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स मिल जाएंगे जो हाइलुरोनिक एसिड प्रोवाइड करते हैं, बट फॉर मी आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड इसमें वो जो स्पेशल वाला इंग्रीडियंट मैंने बताया ना, उसकी वजह से व्हाट आई हैव सीन अ डिफरेंस. आई डोंट नो ये साइकोलॉजिकल है या रियल में, बट व्हाट आई हैव सीन, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद यू, कि मैंने जब इसको अप्लाई किया इमीडिएटली, ओके, लाइक इमीडिएटली विद इन 5 to 10 seconds ये एब्जॉर्ब तो हो जाता है, ये चिपचिप नहीं करता बिल्कुल भी, और ये इमीडिएटली आपको ना एक प्लम्प इफेक्ट देता है, लाइक द स्किन स्टार्ट्स लुकिंग वेरी टाइट एंड हाथ भी आप जब लगाओ ना तब भी वो बहुत टाइट फील करता है, लाइक वेरी प्लम्प एंड स्ट्रेच स्किन, सैगी नहीं लगता है, सॉफ्ट नहीं लगता है, इट्स वेरी टाइट एंड गुड फीलिंग आती है. तो इसको ये तो इमीडिएट वाले एक्सपीरियंस मैंने बताया, बट अगर इसको मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 1 month से मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, सुबह के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, रात को भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड हैज़ नथिंग टू डू विद एनी अदर आपके एक्टिव्स जो भी होते हैं उसके साथ, ये कुछ रिएक्ट नहीं करता है. हाइलुरोनिक एसिड इज लाइक अ बेबी, ये किसी के भी साथ खुश हो जाता है. तो आप इसको यूज कर सकते हो और इसके साथ यूज करने के लिए आपको सनस्क्रीन की एसेच जरूरत नहीं होती, दो इट इज नेम्ड एज एसिड. हाय गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दूसरों से भी शेयर करना, हो सकता है उनको भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए इस चीज से. सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो.